अच्छा फोक्स, हाय लोगों, बैक में जो तो आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट स्टोरी मोड। और या मैं पहली बार माइनक्राफ्ट स्टोरी मोड खेलने वाला हूँ और देखने वाले हैं क्या स्टोरी रहती है माइनक्राफ्ट स्टोरी मोड में। तो या लेट्स गो। तो यहाँ अभी पहले वो कनेक्टिंग हो रही है। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो कर दो, खतरनाक वीडियो होने वाली है। तो या ये एक सीरीज टाइप ही है, माइनक्राफ्ट स्टोरी मोड सीरीज, इसका नाम हम रख देंगे, सोच लूँगा बाद में नाम। तो या तो उसके सारे के सारे एपिसोड्स मैंने डाउनलोड करके रख दिए, डाउनलोड करके नहीं रखे, परचेज करके रखे हैं। आपको तो पता ही हम परचेज करने वाले नहीं हैं। तो यार क्रैक वाला मैंने कर दिया था। तो साइन अप हम करेंगे नहीं कि क्योंकि अगर हम साइन अप किया तो उनको पता चल जाएगा कि हमने झोल माल किया है। तो यार हम खरीदने वाले हैं तो हम नॉट नाउ करते हैं और प्ले पे क्लिक करते हैं। और या हमारी गेम हो गई है शुरू। तो यार चूज योर अपीयरेंस। ओके, ये और कौन सा ले हम? सारे अच्छे हैं भाई। ये वाला, ये नहीं, ये तो लड़की, ये सही है, ये सही लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। सिंपल सिंपल बंदा है, सिंपल बंदा ठीक रहेगा। ये वाला सही रहने वाला है। तो यार लेट्स गो, इसी को हम लेकर आगे की स्टोरी शुरू करेंगे। तो यार लेट्स गो, देखते हैं एपिसोड वन में क्या होगा। द ऑर्डर ऑफ द स्टोन स्टार्ट एपिसोड वन बैक और सेव फाइल्स। ओके, स्टार्ट एपिसोड वन नहीं करते हैं हम, लेट्स गो स्टार्ट करते हैं एपिसोड। तो या लेट्स गो, हो जाए स्टार्ट। अब हमें स्टोरी देखने को मिलेगी। द गेम सीरीज ऑफ द चॉइसेस यू मेक द स्टोरी टेलर्ड बाय हाउ यू प्ले। ये टेलटाइल गेम्स ने बनाया, जिसने वॉकिंग डेड बनाई है ना, वही है, उन्होंने ही बनाई है ये, वही ऐसी गेम्स बनाते हैं। तो या अच्छा, स्पेस दिखा रहे हैं हमें, क्या दिखाना चाहते हैं हमें? अच्छा, हमें दिखा रहे हैं कि मतलब यूनिवर्स में जो हमारे जो अर्थ है, मतलब यूनिवर्स को बचाने के लिए कुछ हीरोज़ हैं। ये उसी के हीरोज़ के बारे में, ये चार हीरोज़ होते हैं जो बचाते हैं ऐसे यूनिवर्स को। तो यार उसी के बारे में ये कहानी है, तो हमें देखने को मिलेगी। लेट्स गो, ये कहाँ है? ओ भाई साहब, भाई सही एनिमेशन, एनिमेशन तो सही किया इन्होंने। तो यार लेट्स गो। ओके, अब देखते हैं क्या होगा। आप शायद सिटी का बताएंगे ना। सिटी, ये आ गई हमारी सिटी जहाँ सब रहते हैं और वो हीरोज़ इस सिटी में रहते हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। वो ये हैं वो चार हीरोज़, ये हैं वो चार। पहला है गैब्रियल। गैब्रियल मतलब ख़तरनाक, मतलब स्वॉर्ड्स वगैरह बनाता है, पोशंस और ख़तरनाक सामान बनाता है। नेक्स्ट है एलिगारो। तो ये रेडस्टोन का किंग है, ये रेडस्टोन के रिलेटेड बहुत ख़तरनाक चीज़ें बनाता है। और नेक्स्ट है मैग्नस। मैग्नस डिस्ट्रक्टिव चीज़ें बनाता है ना, TNT ले आओ भाई। और लास्ट है सोरेन। सोरेन क्या करता है? अच्छा, ये बिल्ड्स बनाता है, ख़तरनाक बिल्ड्स। अच्छा, इन्होंने कुछ स्टोन बनाया, तो यही चार मिलकर जर्नी को तय करते हैं और पूरे की पूरी यूनिवर्स को बचाते हैं ये चार लोग। यार ये चारों के चारों एक ही टीम में होते हैं और ये चलते हैं एक ख़तरनाक सफ़र पे, जहाँ एंड में पहुँचते हैं भाई। एंड में पहुँच के इनको एंडर चाचा को मारना होता है। लेट्स गो। ओ भाई यार, एंडर चाचा को मार दिया उन्होंने। एंडर बेचारा गया, रेस्ट इन पीस एंडर ड्रैगन। एंडर ड्रैगन गया। और यहाँ है हमारा गैब्रियल, यही है किंग शायद इन सबका। तो यार लेट्स गो, लोडिंग हो रही है शुरू। उसका मतलब अब हमें आगे बताया जाएगा आगे क्या होगा आगे। देखते हैं क्या हो रहा है। गैब्रियल का यहाँ लगा है, ये कौन है? ट्री हाउस है कोई, आई गेस। ओ यार ट्री हाउस है। ओ ये कौन है? अच्छा ये दोस्त है शायद। तो आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, चिकन साइज जॉम्बी, जॉम्बी साइज चिकन। तो पूछ ही रही है कि तुम्हें जॉम्बी साइज चिकन, मैं जॉम्बी साइज चिकन साइज जॉम्बी चाहिए या जॉम्बी साइज चिकन। ऐसे बोल रहे कि लड़की उसे छेड़ रही है कि अगर तुम रियल लाइफ में किसी को देखोगे कि तुम
किसको देखना चाहोगे? तो यार अभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, देख सकते हैं भाई साहब। ओके तो ओ तो ये इनका पिग है। अच्छा इस पिग का नाम है कुछ, तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो बोल रही है कि पिग को नहीं लेके जाना है, ये बोलेगा नहीं मैं तो ले जाऊंगा पिग को। हाँ रूबन, इस पिक का नाम है रूबन। रूबन्स माय पीपल लव पिक्स, मैंने कर दिया रूबन इज माय पिक था, वो भी ऑप्शन था। तो ऑप्शन कोई भी हम चूज कर सकते हैं। तो यार अगर आपको ये पार्ट पसंद आएगा तो 100 व्यूज और 50 लाइक्स करवा देना प्लीज, करा दोगे ना प्लीज, करा देना 50 लाइक्स, ज़्यादा नहीं बोलना 50 लाइक्स बस। तो यार हु केयर्स अबाउट द थिंग। तो ये बोल रही है कि जो बाहर है कुछ लोगों को नहीं पसंद है और वो तुम्हें देख के हमें और भी बड़ा लूजर समझेंगे। तो ये बोल रहा है कि आई डोंट केयर कि पीपल क्या मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे तो बस अपने पिक को लेके जाना है। तो अभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं और नीचे से कोई आया, ओ भाई क्रीपर, ओ क्रीपर आ गया। पिक वाले नीचे गिर गया। ओ इनका एक और दोस्त आया, एक और दोस्त आ चुका है इनका। कूल मास्क लिखते हैं वैसे, कूल मास्क भाई साहब। आप देखते हैं बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या है? एंडर ड्रैगन की कॉस्ट्यूम ही किसको बनाएगा भाई, बहुत छोटी है। अच्छा पिग को बनाएगा ना, ओ भाई एंडर पिग बन चुका है ये रूबन। तो लिखते हैं अगर वो खुश है तो हम भी खुश हैं, वो खुश नहीं होगा तो खुश ही होगा वो। हाँ लेट्स गो। अब देखते हैं, अब शायद ये खुश हो गए कि अब हम इसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि या इसने कॉस्ट्यूम पहनी अच्छा दिख रहा है, अब तो लेके जाएंगे। तो ये सोच रहे हैं तो लेट्स गो, अभी तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। तो यार जाने से पहले कुछ सामान वगैरह लेना होगा हमें, तो हम खुद जाके देख लेते हैं क्या क्या सामान है। यहाँ चलते हैं कि चेस्ट पड़ा है, इस चेस्ट में क्या आएगा? इस चेस्ट में फ्लिंट निकला है, फ्लिंट एंड स्टील, फ्लिंट एंड स्टील निकला। और वहाँ पे पोस्टर को भी देख सकते हैं, पोस्टर देख रहा है। अच्छा तो ये बोल रहा है कि गैब्रियल जो है ये कितना मतलब ऐसे फेमस है, क्या कभी मैं भी फेमस हो पाऊँगा इसकी तरह, वही सोच रहा है। तो एक और चेस्ट है, इस चेस्ट को हम खोल के देखते हैं कि इस चेस्ट के अंदर क्या मिलेगा। इसको देख लिखा है शीयर्स, शीप का कर, शीप के शीयर्स मतलब शीप की वूल निकाल के क्या करेगा मम्मी भाई? क्या है अभी भाई, पिग से बात भी कर सकते हैं भाई क्या? असली में लगता तो है ऐसे ही कर रहा होगा। और देखते हैं आगे, वो ये क्या है भाई? तो ये स्टैंड है, शायद इसने खुद बनाया है जैसे ये बोल रहा है, लगता तो इसने खुद ही बनाया हुआ है ये। तो ये बोल रहा है कि तुम्हें एंडर ड्रैगन वाली जोर देनी है मतलब। तो यार वो ही बोल रहा है, लेट्स गो और कहीं देख लेते हैं। ओ भाई अब हम चल रहे हैं अपनी जर्नी पे, लेट्स गो। जहाँ सके बोल रहे हैं कि नहीं कोई कंपटीशन है शायद, बिल्डिंग कंपटीशन को, ये तो बिल्डिंग कंपटीशन में उनको जाने का है। और यार बिल्डिंग कंपटीशन में जो लोग जाएंगे ठीक है। तो इनकी यहाँ से शुरुआत हो चुकी है इनकी जर्नी की, इनकी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है यहीं से। अभी बात करते करते जा रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। तो यार लेट्स गो, तो एक दूसरे को आइडिया देंगे कि हमें क्या बनाना चाहिए। तो यार क्योंकि बिल्डिंग कंपटीशन है, कुछ ऐसा बनाना होगा ताकि दूसरे ने लूजर्स ना करें। आई लव टू मेक क्या भी है द रेस्ट को दे। तो वो बोल रहा है कि हमें काश हीरोज से मिलने का भी मौका एक बार मिल जाए। तो यार लेट्स गो, तो आई गेस अब ये यहाँ से पहुंचने वाले हैं बस। अच्छा तो ये कौन सी जगह आ गई यहाँ खाली, मतलब पूरी सिटी में उनके पास हीरोज़ के बारे में ही है। तो यार ये बात है, तो एक हीरो से मिलने भी जाते हैं।
तो लेट्स गो। तो अब ये सोचेंगे कि क्या बनाना चाहिए, लेट्स गो। तो ये बोल रही है वो लड़की कि हम नहीं जीत पाएंगे क्योंकि हमें सब लूज़र बोलते हैं और हम अच्छी बिल्डिंग नहीं कर सकते। पर वो बोलता है नहीं, फिर मैंने चॉइस बनाई कि हम जीतेंगे। अब वही बात चल रही है, अभी सोच रहे हैं कि क्या बनाना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बनाने के लिए बोल रहा है, जैसे देख सकते हो। ओ भाई क्या हुआ? तो ये बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे सारे बंदे मतलब वो हो जाएं कि भाई सब कैसे बनाया इन्होंने। तो वो बोल रही है कि हमें बनाना चाहिए एक, वो कोई बोल रहा है एंडर ड्रैगन बनाना चाहिए, कोई बोल रहा है क्रीपर बनाना चाहिए। तो अब हमें दो ऑप्शन मिल चुके हैं, क्रीपर या एंडर ड्रैगन। तो हमें इन दोनों में से चूज़ करना है। तो अभी हमारे पास ऑप्शन आएंगे आई गेस, या तो एंडर ड्रैगन या जॉम्बी या फिर एक क्रीपर। क्रीपर बिल्ड करेंगे हम, लेट्स बिल्ड अ क्रीपर। तो ये लड़की बोल रही है कि तुमने मेरा मेरा नहीं मतलब मेरा जो है क्या कहते हैं, मेरी एडवाइस नहीं मानी। उसने बोला क्रीपर तो तुमने क्रीपर ले लिया, मेरी एडवाइस नहीं मानी। तो वही बात चल रही है। एनीवेज तो अभी क्रीपर बनाने वाले हैं। तो यार अभी तैयारी कर रहे हैं कि हमें बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल भी तो लगने वाला है। तो वो मटेरियल कहाँ ऐसी आँख ट्रिंग ट्रिंग हो जाता है, मतलब नोटिफिकेशन आ जाती है, नोटिफिकेशन ऑफ करनी पड़ेगी मुझे। एनीवेज तो यार अब ये टीम बना रहे हैं, लेट्स गो। तो यार अब ये जाएंगे और मटेरियल ढूंढेंगे, लेट्स गो। ओपी भाई, चलो अब शुरू करते हैं मटेरियल ढूंढना। तो ये भी गया, ये भी गया, और वो भी चली गई। अब देखते हैं, ओ भाई अब यहाँ पे एनिमेशन आ चुकी है। अब हम वुड तोड़ रहे हैं क्योंकि क्रीपर में वुड तो यूज़ होगी ही। और अब ये पुशअप मार रहा है। ओ भाई कैसे मारता है? अच्छा डाउन डाउन डाउन, हमें स्वाइप करना है नीचे नीचे। अगर आप खेलना चाहते हो तो कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा हाउ टू डाउनलोड ये, साथ में लिंक भी दे दूंगा। तो यार अभी यहाँ पे मैं प्रेस प्रेस कर रहा हूँ, अभी इतनी सैंड भी मिलती जा रही है। ओ भाई ऑक्टोपस के साथ लड़ाई। ओ भाई पुशअप, एक हाथ वाला पुशअप। ओ भाई तू कर सकता है भाई, लेट्स गो पुशअप ओपी। भाई साहब पूरा ये फोकस कर रहे हैं, इनको जीत रहे हैं। ओ भाई पूरी प्रैक्टिस चल रही है, ये मुक्कों से रोजेस तोड़ रहा है। लेट्स गो। ओ भाई ऊपर उठने वाली एक्सरसाइज, पता नहीं क्या कहते हैं इस एक्सरसाइज को। तो या लेट्स गो भाई, अभी माइनिंग कर रहा है नीचे जाके, खतरनाक वाली माइनिंग कर रहा है। अभी शीयर्स काट रहा है, शीयर्स नहीं वुड, वूल काट रहा है शीप से, जिसके शीयर्स इसके घर पे थे। वो अभी रेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है मुक्के मारने की, वुड पे मुक्के मारने की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। तो लेट्स गो देखते हैं अभी। ओ भाई साहब, ओ भाई। तो या गाइस अब देख सको क्या ही खतरनाक पंच मारा है इस बंदे ने, वुड ही नीचे गिर गई, वुड पूरी नीचे ही आ गई भाई, इतना खतरनाक पंच था। तो या गाइस अब आज इस एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखना क्या कौन जीतेगा, क्या ये बनाएंगे क्रीपर कैसा बनता है। तो या